कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पीएसए के तहत हिरासत में रखने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई जो उनकी ही बहन ने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। अब उस याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एनवी रमन की पीठ करेगी। आपको ये बता दें कि उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला ने याचिका दाखिल की है। सारा ने उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी को चुनौती देते हुए अपनी अपील में कहा है कि वो पहले ही पिछले 6 महीने से नजरबंद हैं और उनको इस कानून के तहत नजरबंद करने का कोई सही आधार नहीं नजर आता है। जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर प्रशासन ने 6 फरवरी को पीएसए लगाया था। दोनों नेता पिछले साल 5 अगस्त से ही एहतियातन हिरासत में लिए गए हैं और इसके अलावा उन्हें नजरबंद किया गया है। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भी लगातार नजरबंद है, उन पर भी पीएसए लगाया गया है। जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत स्वाभाविक है हम बात फारूक अब्दुल्ला की कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक बशीर अहमद वीरी और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के मामा सरताज मदनी के खिलाफ भी पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। यानी कुल मिलाकर ये बहुत बड़े कद्दावर नेता जम्मू कश्मीर की राजनीति जिनके इर्द गिर्द एक समय पर घूमा करती थी वो तब सभी बड़े राजनेता इस समय नजरबंद है और उससे बड़ी बात उन पर पीएसए लगाया गया है जिनका नाम अभी अभी हमने लिया। फारूक अब्दुल्ला पर पहले से पीएसए था और उनका जो अवधि पूरी हो गई थी पीएसए की उसको भी बाद में बढ़ा दिया गया था। और अब जो हमारे पास ताज़ा जानकारियां 6 फरवरी के बाद निकल कर आई उसमें और नाम जुड़ गए, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके साथ साथ हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही पूर्व विधायक भी बशीर अहमद वीरी। बहुत बार बशीर अहमद वीरी हमारे साथ जुड़े भी हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के मामा भी सरताज मदनी के खिलाफ भी पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी दिग्गज सभी राजनेताओं पर इस समय पीएसए है और इसको देखते हुए आज जब उमर अब्दुल्ला की याचिका पर सुनवाई होगी तो कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा, क्या याचिका खारिज हो जाएगी या याचिका पर सुनवाई के लिए एक अन्य तारीख दी जाएगी, क्या सरकार को प्रशासन को यहाँ पर नोटिस जारी किया जाएगा, कोर्ट पर सभी की निगाहें होंगी कि कोर्ट आखिर इस लिहाज से क्या फैसला लेने वाला है। और किसी भी लिहाज में कुछ भी अगर फैसला आता है तो बहुत स्वाभाविक है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से जो भी टिप्पणी या जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसका सीधा सीधा प्रभाव जो उमर अब्दुल्ला की याचिका पर पड़ेगा वो आधार दे देगा बाकी राजनेताओं के लिए भी, जैसे महबूबा मुफ्ती हुई या फिर अन्य बशीर अहमद वीरी और महबूबा मुफ्ती के जो मामा हैं सरताज मदनी, इन सब के लिए भी एक आधार तैयार हो जाएगा कि अगर उमर अब्दुल्ला की याचिका पर कुछ निर्देश आते हैं तो वही स्वाभाविक माना जाएगा बाकी लोगों के लिए भी जिन पर पीएसए पहले से लगा हुआ है। अब ये देखना होगा कि पीएसए जो लगाया गया है इसको लेकर क्या कोर्ट आज सुनवाई करेगा और सुनवाई के वक्त क्या तथ्य रखे जाएंगे। हालांकि जब हम बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला की बहन की तो उमर अब्दुल्ला की बहन को हमने देखा भी किस तरीके से वो बार बार विरोध करती आई हैं, चाहे वो पिता फारूक अब्दुल्ला पर लगे पीएसए और उन पर लगी नजरबंदी हो या फिर उमर अब्दुल्ला पर लगे पीएसए जिसको लेकर याचिका भी डाल दी गई है या फिर उनका नजरबंद होना हो। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आज इस पर सुनवाई होगी, सुनवाई करने के लिए भी न्यायमूर्ति जस्टिस एनवी रमन इस पर अध्यक्षता करते हुए उनकी पीठ इस पर सुनवाई करेगा। क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर फैसला लिया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जो विकल्प नजर आ रहे हैं, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो बहुत सारे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कोर्ट हो सकता है इस याचिका को खारिज कर दे, इसका कोई आधार ना समझते हुए, इसको कोई महत्व ना समझते हुए, ये कहते हुए कि वो सरकार द्वारा किए गए काम पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से हमने समय समय पर देखा है कम्युनिकेशन और बाकी चीज़ों को लेकर के दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका है उसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है, हो सकता है कि कोर्ट यहाँ पर नोटिस भी जारी कर दे। ये अनुमान है, ये सिर्फ अनुमान है कि क्या कोर्ट की तरफ से हो सकता है, ये तय नहीं किया जा सकता है कि ऐसा ही हो या संभावनाएं सिर्फ इसको कह सकते हैं कि ये हो सकता है। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि कोर्ट को कुछ यहाँ पर समय लेते हुए सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दे। यानी अभी जो 3 बड़े विकल्प सामने आ रहे हैं वो यही है
अब सुनवाई का आज पहला दिन होगा, इस याचिका के साथ क्या होगा पहले तो यही स्पष्ट होना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर तवज्जो देकर इस पर सुनवाई करने के लिए आगे बढ़ता भी है या फिर आज ही खारिज कर देगा। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी और जम्मू से ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जुड़ गए हैं, इनसे जानकारियां लेंगे। विनोद, अभी हम अनुमान ही लगा सकते हैं और अनुमान के आधार पर वो कुछ विकल्प नजर आ रहे हैं कि कोर्ट क्या क्या कर सकता है, हालांकि उसको हम पक्का नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इस बीच जो कदम खुद उमर अब्दुल्ला की बहन उठा रही है उसको कैसे देख रहे हैं? और इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला को लेकर कोर्ट आज जो फैसला लेगा या जो आगे कार्रवाई करेगा उसका असर बाकी लोगों पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है जिन पर पीएसए लगाया गया, क्या कहेंगे विनोद? बिल्कुल सांची, ये राइट है सबके पास, यहाँ डेमोक्रेसी है, उमर अब्दुल्ला की बहन को राइट था, उन्होंने याचिका दायर की है। अब कोर्ट को ये सोचना है क्योंकि पीएसए जो लगा है उसमें जो तथ्य गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि उमर अब्दुल्ला ने नेशन के खिलाफ यानी देश के खिलाफ कुछ ऐसे भाषण दिए हैं जिससे यूथ में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट या फिर एंटी नेशनल वो आती है, प्रवृत्ति आती है। तो कोर्ट उसको भी देखेगा, कोर्ट इसको भी देखेगा कि उसकी बहन का जो याचिका है उसमें क्या तर्क है कि इतने दिनों तक एक ऐसे व्यक्ति को जो चीफ मिनिस्टर रहा हो, यूनियन मिनिस्टर रहा हो, उस ऐसे व्यक्ति को इतने दिनों से पीएसए के तहत कैसे अंदर रखा जा सकता है। कोर्ट दोनों ही पहलुओं को सुनेगा। हाँ सर, ये बात जरूर है कि अगर कोर्ट को लगता है कि अगर उमर अब्दुल्ला के फेवर में कोई डिसीजन आता है तो डेफिनेटली उसका असर बाकी पर भी पड़ेगा, बाकी लोगों को भी एक मौका मिलेगा कि वो भी इस आधार पर ये कह सकेंगे कि अगर उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जा सकता है तो व्हाई नॉट, हमें क्यों। विनोद, इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं जो तर्क सरकार की तरफ से दिए गए हैं जिस आधार पर वो पीएसए लगाएंगे, 5 तारीख से पहले के ही वो भाषण रहे होंगे जिन पर अभी पीएसए लगाया गया है और उसी पर कार्रवाई हो रही है, विनोद ऐसा समझा जाए, क्योंकि 5 के बाद तो वो सामने भी नहीं आए हैं। ये डेफिनेटली सर कि 5 के पहले के ही है, जब महबूबा मुफ्ती ने भी, तब वो महबूबा मुफ्ती बीजेपी की पार्टनर हुआ करती थी, सरकार चलाती थी, तब महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था कि अगर 370 के साथ किसी तरह का किरदार छेड़खानी की जाती है तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है, 370 से हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा। अच्छा विनोद, इस बीच ये स्वाभाविक माना जाना चाहिए कि ये भी सारा अब्दुल्ला की तरफ से कहा जा सकता है कि अगर इस पर पीएसए लगाना ही था, उमर अब्दुल्ला पर पीएसए लगाना था तो ये पहले करना चाहिए था, अब नजरबंद पहले से है उसके बाद पीएसए क्यों लगाया? साक्षी, ये गवर्नमेंट को हफ्ते हफ्ते के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी और कोर्ट को किस तरीके से सरकार बताती है किन वजूहात के साथ इनको नजरबंद रखा गया है। फिर को सरकार को ये भी बताना पड़ता कोर्ट को कि जिन लोगों को नजरबंदी, जिन लोगों की हटी है, आखिर उनके लिए क्या कारण था, तो ये वजह थी कि उनको बताना पड़ा कि ये कारण है इसलिए पीएसए उनको लगाना पड़ा। ये देखने वाली बात होगी जो आगे कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो निकल कर सामने आएगी। बहुत